उड़ान क्लासेस में आपका स्वागत है। उड़ान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में पिछले वीडियो में हमने आपसे बात करा था 2016 में जो JSC द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था उसका सिलेबस समझाया था आपको। इस वीडियो में आपको 2016 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उस क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर वन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर वन मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। मैच द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शंस। सीजर एंड क्लियोपात्रा 1901, मेजर बारबारा 1905, कैंडिडा पिगमेलियन। उसमें से मैच करना था ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। शॉज मोस्ट सक्सेसफुल डिस्कशन प्ले विथ अ सोशल एटीट्यूड, तो इसको मैच करना था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। साउज मोस्ट सक्सेसफुल डिस्कशन प्ले, तो जीबी साउ जो थे, जीबी साउ का जो सबसे सक्सेसफुल डिस्कशन प्ले रहा था मेजर बारबारा, जो 1905 में लिखा गया था। तो ऑप्शन टू का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बी में, टू का ए है ना, साउज मोस्ट सक्सेसफुल डिस्कशन प्ले। ठीक है, विथ सोशल एटीट्यूड एल्टीट्यूड टुवार्ड्स सेक्स रिलेशंस इज ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सटायर। एक सटायर जो था जी बी साव द्वारा, ये सटायर कौन सा था? सटायर दोस्तों आपको बता दें कैंडिडा था, जो 1898 में लिखा गया था। ये कैंडिडा जो था एक सटायर था, जो एक सेक्स रिलेशन से रिलेटेड इसमें से कुछ स्टोरी था। ठीक है, तो थ्री का ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी थ्री का बी होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। ठीक है, ये जो बी है ना, बी, ये बी नंबर। ठीक है, फर्स्ट का डी, टू का डी, थ्री का बी, फोर का सी। ठीक है, पिगमिलियन। ठीक है, पिगमिलियन आपको आपको पता ही होगा, एक ये फोनेटिक वाला स्टडी ऑफ फोनेटिक एज वेल एज अब क्लेवर ट्रीटमेंट ऑफ मिडिल क्लास मोरालिटी एंड क्लास डिस्टिंक्शन। ये पिगमिलियन जीबी साव का सबसे पॉपुलर प्ले है, जो कि आपको सिलेबस में पढ़ना भी होगा, ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा भी होगा। 1912 में जो लिखा था, इस पिगमिलियन में एक स्टोरी है, जो एक फूल बेचने वाली लड़की होती है, जिसको एक हाई क्लास प्रोफाइल वाली लड़की बना दिया जाता है, तो उसी तरह का कुछ उसमें स्टोरी है। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस प्ले है आप जीवी साव का, तो ये अगर प्ले आपने पढ़ा नहीं है अभी तक तो पढ़ लें। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल ये जो बी नंबर सही है। ठीक है, चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। बी नंबर दूसरा में भी देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स वाला जो क्वेश्चन था सेकेंड नंबर में, फ्रीडम ऑफ हेवन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर प्रेजेंट्स टैगोर्स पेट्रियाटिक फीलिंग। फ्रीडम ऑफ हेवन एक प्ले था रविन्द्रनाथ टैगोर, जो इंडियन राइटर हैं, उनके द्वारा लिखा गया फ्रीडम ऑफ हेवन, जो कि एक पेट्रियाटिक फीलिंग पर था, जो कि 1947 के टाइम लिखा जाने वाला प्ले था। इट वॉज रिटन टुवार्ड द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी वेन द स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस वॉज गोइंग ऑन इन इंडिया। कहने का मतलब, जब इंडिया आज़ाद हो रहा था उस टाइम का जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल चल रहा था उस पर बेस्ड है, एक पेट्रियाटिक स्टोरी है इसमें। तो दो का जो फर्स्ट नंबर है बिल्कुल सही है, सेकेंड नंबर को देख लेते हैं क्या सेकेंड नंबर सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अ विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन 1913 फॉर फ्रीडम ऑफ हेवन। ये सेकेंड नंबर है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर एक विनर थे नोबेल प्राइज के 1913 में फ्रीडम ऑफ हेवन का। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को तो नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, ये सही है, लेकिन इसमें जो फ्रीडम ऑफ हेवन है, फ्रीडम ऑफ हेवन का जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ हेवन के लिए उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था, ये मिला था गीतांजलि के लिए, जो कि एक कलेक्शन था 130 इंग्लिश पोएम्स का, और इसमें से जो 53 थे जो इंट्रोडक्शन बाय डब्ल्यू बी यीट्स, ये ओरिजिनली जो था पोएम ओरिजिनली लिखा गया था, बाकी जो 50 पोएम थे वो ट्रांसलेट किए गए थे
गीतांजलि के अंदर, ठीक है। तो गीतांजलि एक 133 इंग्लिश पोएम्स था, उसमें से ही हेवन ऑफ फ्रीडम आया था, जिसमें से भी अलग अलग पार्ट करा गया था, जैसे गीत माल्या 17 पोएम्स, निवेदिया 15 पोएम्स एंड खेया 11 पोएम्स, ठीक है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं जो फर्स्ट वाला सही है और सेकंड वाला गलत। तो आपको ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे, वन वन ट्रू टू फॉल्स, ये बी नंबर जो है ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो था एक प्रीपोजिशन का फिल इन द ब्लैंक्स था, देयर वॉज डस्ट डैश द कारपेट, इसमें चार ऑप्शन अंडरनीथ टुवार्ड्स इनसाइड नियर, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा अंडरनीथ जो होगा सही होगा, ठीक है। तो इसका थ्री का जो ऑप्शन नंबर ए, अंडरनीथ इज अ प्रीपोजिशन विच आज यूज एज अ बेलो अंडर, कहने का मतलब ये बेलो और अंडर के जैसा यूज किया जाने वाले प्रीपोजिशन है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, ही वॉज वियरिंग अ स्मार्ट जैकेट विथ अ टी शर्ट अंडरनीथ, उसने एक अच्छा सा जैकेट पहना था, सॉरी अच्छा सा टी शर्ट पहना था जैकेट के अंदर, अंडरनीथ इसमें के अंदर का यूज जो करेंगे अंडरनीथ का यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। अब हम चलते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ड्रामा इज नॉट ट्रू, ड्रामा से रिलेटेड कौन सा टर्म सही नहीं है। पहला नंबर, ड्रामा इज अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट दैट इज परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, ऑडियंस के फ्रंट में ये ड्रामा यूज किया जाता था जो शेक्सपियर में काफ़ी पॉपुलर था। तो इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। बी नंबर, इट्स रिटेन टेक्स्ट कंटेंट्स डायलॉग एंड स्टेज डायरेक्शन, इसमें ड्रामा में उसका जो डायलॉग होते हैं ये भी सही है, स्टेज डायरेक्शन होते हैं। विलियम शेक्सपियर इज नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, बिल्कुल सही। सी नंबर भी बिल्कुल सही है, शेक्सपियर को इंग्लिश फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है और ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। इसमें डी नंबर जो ऑप्शन है, डी नंबर गलत है, ठीक है। डी नंबर, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिटेन टेक्स्ट डिफरेंट फ्रॉम पोएट्री इज दैट इट हैज़ कंप्लीट सेंटेंसेस ऑर्गेनाइज्ड इनटू पैराग्राफ। देखिए ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म सिर्फ पोएट्री में लिखा जाता है, क्योंकि उसके लिए मीटर लाइन उसमें लिटरेरी टर्म्स वगैरह जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन ड्रामा में ऐसा कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स टॉक्स अबाउट अ मैन हु इज बोर्न ऑन ऑन द मिड नाइट ऑफ 14 अगस्त 1947, एक आदमी की बॉर्न होने की जो इसमें से स्टोरी था 14 अगस्त 1947, ये किस प्ले में था। ऑप्शन नंबर ए खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान, या फिर बी अरुण जोशी द फॉरेनर, सी सलमान रशीद मिडनाइट चिल्ड्रेन, या डी अनीता देसाई क्लियर लाइट ऑफ द डे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है, सलमान रशीद मिडनाइट्स चिल्ड्रेन, ये ऑप्शन सही है। इसमें आपको बता दूं ये प्ले 1981 में पब्लिश हुआ था, और इसमें जो चीफ प्रोटैगनिस्ट सेलेम सेनाई था, जिसमें जिसका स्टाइल है स्टाइल था इस प्ले का, स्टाइल ऑफ प्रिजर्व हिस्ट्री विथ फिक्शनल अकाउंट इन सेल्फ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और आपको बता दूं ये जो सलमान रशीद का मिडनाइट चिल्ड्रेन था, ये इस प्ले के लिए बुकर प्राइज, जेम्स स्ट्रेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज 1981 में मिला था, और बुकर ऑफ बुकर्स भी मिला था। कब? 1981 में। ये चीज़ आप याद रखेंगे, सलमान रशीद मिडनाइट चिल्ड्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। क्वेश्चन नंबर सिक्स में था, मैच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा टर्म विथ देयर रिस्पेक्टिव डेफिनेशंस, आपको बता दें ड्रामा के जो टर्म होते हैं प्रोटागोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट आप समझ सकते हैं हीरो, जैसे मूवी में जो हीरो होते हैं उसको प्रोटागोनिस्ट कहा जाता है ड्रामा के टर्म में, और एंटागोनिस्ट जो उसमें से गुंडा होता है एंटागोनिस्ट कहा जाता है ड्रामा के टर्म में, ठीक है। तो ये जो सिक्स नंबर है उसी टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो ए नंबर फॉयल है, ये फॉयल
इस ऑप्शन का मैच होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी से, अ कैरेक्टर हु कंट्रास्ट एंड पैरेलल्स द मेन कैरेक्टर इन अ प्ले और स्टोरी लेयर। ये जो लॉर्ड्स थे, जो सन ऑफ पोलोनियस था, जो कि पैरेलल कैरेक्टर था एंटोगन सॉरी प्रोटोगोनिस्ट ऑफ हैमलेट, हैमलेट के साथ साथ ये कैरेक्टर इर्द गिर्द उसके साथ साथ घूमता है। तो आपको बता दें, ये पहला जो फॉयल होगा सी से मैच करेगा, ठीक है। पहला का सी आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं, पहला का सी यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल इस ये वाला होगा पहला का सी, और किसी में नहीं है, तो आप सीधा टिक कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर कॉम्प्लिकेशन, ये ड्रामा का टर्म है, ये जो होता है सेवन नंबर क्वेश्चन जीरन का क्वेश्चन था, ही अवॉइडेड डैश हर अबाउट हिज प्लान्स। इसका जो ऑप्शन नंबर ए प्रोवाइडिंग, बी गिविंग, सी सेलिंग, डी टेलिंग। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है टेलिंग, ये बिल्कुल सही है। ही अवॉइडेड टेलिंग हर अबाउट हिज प्लान्स, ये डी नंबर ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। एट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट फॉर्मल मेथड ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। एट नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए, ईमेल, मेमो, नोटिस, लेटर। बिजनेस फॉर्मल मेथड में कम्युनिकेशन में ईमेल का जो होता है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नाइन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का ये क्वेश्चन था, तो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर रेफर टू अ बॉडी ऑफ वर्क्स बाय राइटर्स फ्रॉम इंडिया हु राइट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड हुज नेटिव और को नेटिव लैंग्वेज कुड बी वन ऑफ द न्यूमरस रीजनल एंड इंडिजिनस लैंग्वेज ऑफ इंडिया। सेकेंड नंबर, इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया इज ऑल्सो लिंक्ड विद द वर्क्स ऑफ राइटर ऑफ डिस्पोरा बोर्न इन इंडिया बट रिसाइडिंग एल्सवेयर। इसका जो नंबर ए है, ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए, ये जो फर्स्ट वाला है ये सही है, सेकंड गलत है। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, वन ट्रू टू फॉल्स, सॉरी वन ट्रू सेकंड ट्रू, दोनों ऑप्शन सही है। सॉरी, ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं, दोनों दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि बी सही होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये क्वेश्चन आपको लिंक दे रखा है इस क्वेश्चंस का, तो आप उस लिंक से इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फिर से पढ़कर इसे आप अच्छे से समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था, विच लेटर इज नॉर्मली सेंट इन रेस्पॉन्ड टू अ क्लेम और कंप्लेंट। इसमें से चार ऑप्शन थे, ये सेंट इन रेस्पॉन्ड टू क्लेम और कंप्लेंट, ये जो ऑप्शन है एडजस्टमेंट लेटर, ये एक ऐसा लेटर होता है जैसे कि हम किसी को किसी किसी ऑफिस में या किसी कॉलेज स्कूल में कहीं भी अगर हम कोई कंप्लेन करते हैं,
तो उस कंप्लेन का जो हमको मिलता है दोबारा से, उस कंप्लेन से रिलेटेड कोई कोई इन्फॉर्मेशन, तो उसको कहा जाता है एडजस्टमेंट लेटर। और इसका पहला ही ऑप्शन जो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। आपको बता दें, ये फॉलो अप लेटर, ऑर्डर लेटर, एक्नॉलेजमेंट लेटर। बी नंबर जो फॉलो अप लेटर है, फॉलो अप लेटर एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो किसी सिचुएशन के लिए, ये जनरली इंटरव्यू, जॉब की इंटरव्यू के बाद वाला जो भेजा जाता है लेटर, उस तरह का होता है बी नंबर फॉलो अप लेटर। ठीक है। थर्ड नंबर ऑर्डर लेटर, जो ऑर्डर लेटर होते हैं, अगर आप किसी सामान को किसी के पास अगर भेजें तो उस ऑर्डर से रिलेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा ऑर्डर के रिलेटेड, तो उसको ऑर्डर लेटर कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि इसमें से आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो पूछा गया है, लेटर इज नॉर्मली सेंट इन रेस्पॉन्स टू अ क्लेम और कंप्लेन। ये क्लेम और कंप्लेन वाला जो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। तो बी सी सही नहीं होगा। एक्नॉलेजमेंट लेटर, आपको बता दें, ये एक एक्नॉलेजमेंट लेटर होता है जो बिजनेस में ये जनरली यूज होता है। और ये इनवॉइस से रिलेटेड रिकॉर्ड रखने और इसमें रेज से जो इशू होते हैं, इस तरह के कुछ इस लेटर में होते हैं, एक्नॉलेजमेंट लेटर में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 10 का ए होगा। तो ये वीडियो ऐसे भी बहुत लंबा हो चुका है, तो हम अगले वीडियो में और इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।